करा रही हूँ। इसमें क्या बोला है, ड्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज डिस्क्राइबिंग ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन दैट डिस्क्राइब ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इन द सेम प्लेन विद द सेम मैग्नेटिक फील्ड बी इज, यानी कि रेडियस आर इक्वल टू क्या होता है, √2mk/qb। इसने ये बोला कि एक ड्यूट्रॉन जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी तो दे रखी है कितनी, 50 किलो वोल्ट, रेडियस क्या उसका 0.5 मीटर, परपेंडिकुलर यानी कि सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। जब एक प्रोटॉन एंटर करता है इसी सर्कुलर पाथ में, कितने रेडियस, वो भी कितने रेडियस से घूम रहा है, 0.5 मीटर का रेडियस है, उसकी सेम मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, जो ड्यूट्रॉन के लिए थी वही क्या है प्रोटॉन के लिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये बताना है। तो यहाँ पे दोनों इसको कर लो, √2mk क्या हो जाएगा, √2mk, दोनों साइड क्या कर दे स्क्वेयरिंग, तो ये आ जाएगा आपके पास √r²q²b² क्या आ जाएगा, 2mk। तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √r²q²b² / 2m। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन जो है वो ये आ जाएगी, ड्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या दे रखी है आपको, 50। तो 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस कितना है 0.5 का स्क्वायर × q, चार्ज कितना ड्यूट्रॉन पे e होगा, तो दोनों का चार्ज, प्रोटॉन का भी चार्ज e, बी मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, मास दोनों का क्या है, एक का m है एक का 2m है, तो मास अलग अलग है, तो डिवाइड बाय में क्या कर दो आप, q और b सेम है, मास क्या दोनों का अलग अलग है, तो ये दोनों तो हम नेगलेक्ट करके चल सकते हैं, ये तीनों, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी √r²/mk, ठीक है। तो यहाँ पे इनटू में चार्ज प्रोटॉन पे ई होता है, ड्यूट्रॉन पे भी ई होता है, तो आ जाएगा डिवाइड बाय m, m की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए 2m, ये तो आ गया आपके पास न्यूट्रॉन की, और उसकी प्रोटॉन के लिए क्या आ जाएगी 0.5 का स्क्वायर / 2m। मास दोनों के लिए अलग अलग है, इसके लिए 2m आएगा, इसके लिए कितना जाएगा m, तो यहाँ से दोनों का रेशियो ले लो 50/m, kp इक्वल टू क्या जाएगा, रेडियस भी दोनों के लिए सेम है 0.5 का स्क्वायर / 4m × 2m / 0.5 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल, ये आ जाएगा 2, तो 50/m kp इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, तो kp की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर आ जाएगा इसका 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया इसमें। यानी कि पहले हमने क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी निकाली √r²q²b² / 2m, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, रेडियस भी दोनों का क्या है सेम है, रेडियस भी दोनों का सेम लिख सकते हैं, चार्ज भी क्या है दोनों का सेम है, मास दोनों का क्या है अलग अलग है, तो जो मास का रेशियो आएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मास के रेशियो का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा। तो रेशियो पता लग गया, एक की काइनेटिक एनर्जी पता है तो दूसरे की निकाल लेंगे, वो कितनी आ जाएगी आपके पास 100 आ जाएगी। वैसे ही मास का रेशियो 1:2 था, तो काइनेटिक एनर्जी का भी रेशियो क्या आना चाहिए, 1:2, तो पहले 50 थी तो इसका क्या होना चाहिए, डबल ही होनी चाहिए।